वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट का स्वागत है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। उम्मीद करते हैं पहले वाले टॉपिक आपको पसंद आए होंगे और आपने पढ़ भी लिए होंगे। ठीक है, आज हम बात करते हैं पाइप फ्लो के बारे में। बेसिकली पाइप फ्लो आप जानते हो कि किसी पाइप के अंदर फ्लो होना, सिंपल सी बात है, पाइप के अंदर फ्लो होना, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन 2000 और टर्बुलेंट के लिए ग्रेटर देन 4000 होनी चाहिए। ठीक है, ये बात हम सब जानते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि जब आप घर में फिटिंग कराते हो, जैसे मान लिया आपके घर में पाइप की टंकी की फिटिंग हो रही है, तो उसमें आप एल्गो लगा रहे हो, टी लगा रहे हो, ठीक है, लंबे लंबे पाइप लगा रहे हो कि 2 मंजिल 3 मंजिल, आप ऐसे अपनी घर की फिटिंग करा रहे हो, तो उसमें लॉसेस होंगे। तो दो टाइप के लॉसेस हैं, एक मेजर लॉसेस एक माइनर लॉसेस। मेजर लॉसेस 80-90% होते हैं, लेकिन माइनर लॉसेस 10-20% काउंट किए जाते हैं। मेजर लॉसेस डार्ची और चेजी की मतलब हमने यूज किया हुआ है, ठीक है, लेकिन जो माइनर लॉसेस हैं वो जो आपका जो फ्लो हो रहा है पानी का, डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंजेस हो रही है। कहीं पे मान लीजिए पाइप है, तो उसका कहीं टी लगी होगी, कहीं एल्गो लगी होगी, तो उसका मैग्नीट्यूड एंड चेंज इन डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी की वजह से जो लॉसेस आ रहे हैं, ठीक है, उनमें हम काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये है सडन एक्सपेंशन। सडन एक्सपेंशन का मतलब कि सडन एकदम पाइप एकदम बड़ा हो गया, ठीक है। दूसरा है सडन कॉन्ट्रेक्शन, मतलब पाइप अचानक से कहीं बड़ा था फिर छोटा हो गया, ठीक है। उसके बाद है पाइप बेंड, मतलब पाइप आपका सीधा था फिर आगे आगे कहीं बेंड हो गया, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी आपका बेंड हुआ है, ठीक है। उसके पाइप फिटिंग, पाइप फिटिंग मतलब कि आपकी टी लग रही है, कि वहां पे एल्बो लग रही है, ये आपकी फिटिंग है, ठीक है। उसके बाद है ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि पाइप के बीच में कुछ फंस गया, मतलब जैसे ओपन चैनल में नाली, जैसे माली घर पे नाली बोलते हैं, नाली फ्लो हो रही है, उसमें क्या है, ईंट या पत्थर गिर गया, जो ईंट और पत्थर गिर जाना उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है। तो हम बेसिकली दो टाइप के लॉसेस पड़ रहे हैं, माइनर लॉसेस और मेजर लॉसेस। मेजर लॉसेस में हम 80-90% ड्यू टू फ्रैक्शन की वजह से होते हैं, जिसमें हम काउंट करेंगे डार्ची और चेजी का फॉर्मूला, ठीक है। माइनर लॉसेस में 10-20% बात कर चुके हैं, ठीक है। उसके डार्ची फॉर्मूला बनाया गया था, देखिए फॉर्मूला यहां से आपको फॉर्मूले से डेरिवेशन से कोई लेने देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट डेरिवेशन से मतलब है। लेकिन यहां से पाइप में फ्लो हो रहा है, यहां से जब फ्लो हो रहा है तो फ्लो होगा, इसका मतलब क्या हुआ, एडी लॉसेस होंगे। जब लॉसेस होंगे तो प्रेशर क्या होगा, लास्ट तक घटता चला जाएगा। तो पहले वाले पर मेरा प्रेशर कितना था, इतना था, दूसरे वाले पर प्रेशर कितना, इतना है, मेरा कितना लॉस हो गया, हेड लॉस लॉस हो गया। हमने बर्नौली का इस्तेमाल किया दोनों तरफ, P1/W, यानी कि W क्या है, ये स्मॉल W, ये रो जी है, ठीक है, यहाँ पे मैंने W लिखा हुआ है, रो जी है, ठीक है। V1/2G P2 बराबर P2/W V2^2G प्लस हेड लॉस। अब चूंकि डाया सबका सेम है तो डिस्चार्ज भी सेम होगा, वेलोसिटी भी, क्योंकि Q = एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया सबका सेम है तो डिस्चार्ज भी सेम होगा, वेलोसिटी भी सेम होगी, इसलिए यहां से ये सारी चीजें खत्म हो गई। क्या बचा, इसको इधर ले आओगे तो ये बचेगा हेड लॉस P1-P2/W, प्रेशर डिक्रीज इन फ्लो डायरेक्शन, मतलब प्रेशर घटेगा फ्लो होने की दिशा में, ठीक है। उसके बाद फॉर स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो, भाई स्टडी है, फुल होके फ्लो चल रहा है, स्टडी और यूनिफॉर्म फ्लो है, डिफरेंट पाइप फ्यूजोमेट्रिक हेड इक्वल टू द हेड लॉस, जो हमने लगा P/ρg + y, ये किसके बराबर हो गया, ये हेड लॉस के बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो डार्ची फार्मूला था, ये ओल्ड फार्मूला ये वाला है, हेड लॉस 4f-lv²/2g, ये ओल्ड फार्मूला है, यहां से हमने कन्वर्ट किया इसको, 4f को 4f के बराबर बना दी, मतलब f को बोला फ्रैक्शन फैक्टर और f डैश को बोला फ्रैक्शन कोफिशिएंट। f की वैल्यू फॉर 0.02 से लेके 0.04 फॉर ऑल मेटल के लिए रहेगी, जितने भी मेटल है हमारे पास उनके लिए 0.02 से लेके 0.04 तक वैल्यू रहेगी। फॉर्मूला हमारे पास न्यू फॉर्मूला बन गया, हेड लॉस FLV²/2GD, यही पूछा जाएगा, इसका इस्तेमाल करना है हमें। उसके बाद हमको पता है कि डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी लगा दिया, एरिया सर्कल का पाइप इस्तेमाल कर रहे हैं तो π/4d² × वेलोसिटी, ठीक है। वी यहां से निकाली, ये इधर से लगेगा गुणा में इसके, ये इसके बटे में आ जाएगा 4q/π d², हेड लॉस इसकी जगह पर हमने ये वाली वेलोसिटी पुट कर दी 4q/π d² का होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा 16q²/π² d^4, ये और ये 5 हो जाएगा 2gd π/16, इसको एक साथ लिखी है, ये जब इसको कैलकुलेट लगभग 11 पॉइंट समथिंग आता है कुछ, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, 12,
तो ये वाली इक्वेशन भी हमको याद रखनी है। ठीक है, इतनी बात के लिए हुई। जो लिखा हुआ है 16 टू जी पाई स्क्वायर अपॉन 16, ये लगभग 11 पॉइंट समथिंग आता है, तो इसको हम क्या लिखे लगभग 12 के बराबर लिख लेते हैं। ठीक है, अब पहला पॉइंट नोट करके, अगर एफ की वैल्यू 16 अपॉन आर ई मतलब 16 अपॉन आर ई है तो वो कहलाएगा लेमिनार फ्लो। लेकिन अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन 2000 है, तब अगर एफ की वैल्यू 0.079 से लेके रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1/4, ये हो जाएगा टर्बुलेंट के। लेकिन रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 4000 से ज्यादा लेकिन 10 की पावर 6 से कम होनी चाहिए, तब ये वैल्यू आप इस्तेमाल करोगे। और ये दोनों के दोनों फॉर्मूले इस्तेमाल मतलब एसएससी पूछ चुका है। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां पर हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, बस सिर्फ फॉर्मूलों को जानेंगे। यहां पर इतनी बात क्लियर हुई, चले आगे चलते हैं। चेजी फॉर्मूला, तो चेजी फॉर्मूला में हमने फॉर्मूला बनाया था वी इज इक्वल टू सी अंडर रूट एम आई, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपको सारी चीजें बनानी है। V को बोलते हैं मीन वेलोसिटी, सी जो है चेजी कांस्टेंट है, एम जो है हाइड्रोलिक मीन या रेडियस, मतलब इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक रेडियस या मीन डेप्थ। ठीक है, जो एम होता है वो एरिया अपॉन पी मतलब एरिया ऑफ द फ्लो डिवाइड बाय एरिया ऑफ द पैरामीटर, मतलब जैसे मान लीजिए किसी पाइप में फ्लो हो रहा है, ये मेरा पाइप है और एरिया कैसा है सर्कल है। ठीक है, कितना भिगो रहा है मान लीजिए मुझे यहां तक भिगो दिया, तो वेटेड पैरामीटर मतलब पाई इंटू डी इसको भिगोएगा ना, अगर मान लीजिए सर परिधि है आपका और ये चल रहा है यहां से फ्लो हो रहा है, तो ये कितना भिगोया इसने, इतना जो परिधि है मतलब सर्कल उसी को तो भिगोएगा, तो कितना लगा दिया पाई डी, कट गया पाई अपॉन 4 आ गया, मतलब डी से डी कट गया, पाई से पाई कट गया, डी अपॉन 4। अगर किसी पाइप में फ्लो हो रहा है, हम पहले बात कर चुके हैं कि मतलब यहां से जब फ्लो होगा तो आपकी जो जो प्रेशर हो क्या होगा डिक्रीज होगा, मतलब हाइड्रो ग्रेडियंट लाइन क्या होगी डिक्रीज होगी, कितना हो गया हेड लॉस हो गया एल, टेन थीटा क्या है हेड लॉस अपॉन एल, यानी कि टेन थीटा को हमने बोला है स्लोप, जिसको डिनोट किया हमने आई से, आई क्या होता है हेड लॉस डिवाइड बाई एल, हेड लॉस डिवाइड बाई एल यही तो होगा, टेन थीटा क्या होता है एच एल डिवाइड बाई एल। अब ये क्या हो गया आई, एक तरीके से क्या है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ही तो है, या कह सकते हो एक तरीके से एनर्जी स्लोप है, ये भी कह सकते हो भाई आई जो क्या है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है या एनर्जी की स्लोप है। इतनी बात क्लियर हो रही है, और इन वैल्यू उठा के हमने v बराबर c √ mi में पुट कर दिया। ठीक है, c n भी d / 4 और i या h l / l दोनों तरफ का स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा v स्क्वायर c स्क्वायर, और यहां से क्या निकल गया हेड लॉस 4 l v स्क्वायर अपॉन 2 g d, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अभी हमने डार्ची से फार्मूला निकाला था 4 l v स्क्वायर अपॉन 2 g d, ठीक है इसके बराबर पुट कर दिया, यहां से c की कांस्टेंट वैल्यू निकल के आ गई, एफ की हम पहले बता चुके हैं ऑल 0.02 से लेके 0.04 तक वैल्यू रहेगी ऑल मेटल के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद है माइनर लॉसेस। अब माइनर लॉसेस में बेटा क्या हो रहा है, मैंने डेरिवेशन नहीं की, वो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है क्योंकि डेरिवेशन से आपको लेना देना नहीं है, समय कम बच रहा है। ठीक है, तो माइनर लॉसेस है सडन एक्सपेंशन, किसी चीज का एकदम से विस्तार हो जाना, तो ये क्या होगा जब विस्तार होगा तो ये किनारे छोड़कर फिल होगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एडी लॉसेस। ठीक है, यानी कि हेड लॉस हो गया v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, मतलब इसकी वेलोसिटी अगर देखो यहां से समझ लेते हैं, जहां पर एरिया कम है वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहां पर एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, तो यहां पर v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 gd, यहां से v1 कॉमन निकल लिया, क्या बचा v1 अपॉन v2, इसको हमने बोल दिया k। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया k, या फिर डिस्चार्ज होता है a1 v1 is equal to a2 continuation लगा दो चाहो तो क्या हो जाएगा v2 divided by v1 is equal to a1 divided by a2, v1 divided by v2 जगह हमने क्या रख दिया a1 divided by a2, तो इसको भी हमने क्या बोल दिया k बोल दिया, तो सबको क्या हुआ head loss k v square upon 2 gd। तो ये वाला formula, एक तो आपको ये वाला याद रखना है, हो सकता है इस form में पूछ ले, हो सकता है कि इस form में पूछ ले, क्योंकि ये तो common सबके लिए है ही। उसके बाद है sudden कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एकदम से क्या हो गया पाइप एकदम से छोटा हो गया, अब कहीं छोटा होगा तो वहां पर क्या होगा एक पाइप में एक साथ तो ऐसा फ्लो नहीं हो जाएगा, हमें पता है कि जब फ्लो होता है तो हमेशा किनारे छोड़कर फ्लो होगा, अब जब किनारे छोड़कर फ्लो होगा तो कुछ इस तरीके से हो रहा है, ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, यहां पर यहां क्या बन गया वीना कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वीना कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जहां पर वेलोसिटी क्या हो
वेलोसिटी मैक्सिमम हो, एरिया मिनिमम हो, ठीक है, और डिस्चार्ज भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, उसको बोलते हैं वीना कॉन्टैक्ट। तो हमने जो फॉर्मूला लगाया वो इस और इसके बीच लगे, यहां वेलोसिटी ज्यादा होगी, vc माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, याद रखने की जरूरत नहीं, सिंपल, जहां पर वेलोसिटी ज्यादा है एरिया कम हो रहा है, वहां पर वेलोसिटी क्या हुई, हाई हो गई, ठीक है। तो क्या हो गया, vc का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2gd, फार्मूला बन गया हमारे पास। हमने v2 कॉमन ले लिया, यहां से 1/cc, मतलब डायरेक्ट लिखा हुआ है यहां पर 1/cc माइनस cc का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, cc का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, चलो लिख लो, cc का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, cc का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये तो ये फार्मूला बन गया, ये भी आपको याद रखना है, इसको क्या बोल दिया 1/cc माइनस 1 को क्या बोल दिया k बोल दिया, ठीक है। अब हमने अज्यूम कर लिया कि अगर cc की वैल्यू 0.62 है तो हेड लॉस कितना निकल के आएगा, 0.375 v2 square upon 2 gd। एक बार ये भी बहुत पूछा गया फार्मूला, ये सारे फार्मूले पूछे गए, तो सबसे ज्यादा नोट करके यहां लिख लीजिएगा, नोट करके कि हेड लॉस सबसे ज्यादा किसमें होता है, हेड लॉस सबसे ज्यादा सडन एक्सपेंशन में होता है, किससे, कंपेयर टू सडन कॉन्ट्रैक्शन से। देखो यहां से एकदम एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो मतलब प्रेशर एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा, मतलब प्रेशर का लॉस ज्यादा होगा। अगर वहां पर एरिया एकदम सडनली कम हुआ है तो वहां पर वीना कॉन्टैक्ट बन गया, वीना कॉन्टैक्ट की वजह से क्या हो गया, लॉसेस क्या हो गए, कम हो गए, लेकिन वेलोसिटी आपकी बढ़ गई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें लॉसेस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू दिस, यानी कि सडन एक्सपेंशन में हमेशा लॉसेस ज्यादा होंगे, किससे, सडन कॉन्ट्रैक्शन से। ये एक बार भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी ने, ठीक है, इतना नोट करिए। यहां तक किसी को दिक्कत आ रही तो बोलो बेटा, फॉर्मूला डेरिवेट नहीं करने क्योंकि टाइम इतना है नहीं डेरिवेट करने के लिए, इसलिए इसको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है बस आपको। यहां तक किसी को दिक्कत बोलो, चलिए आगे बात करते हैं। पाइप इन सीरीज या कंपाउंडिंग पाइप, मतलब मेरे पास तीन पाइप हैं L1, L2, L3, मतलब तीनों कैसे लगे हैं, एक सीरीज में लगे हुए हैं। तो देखो बेटा यहां पर हमने माइनर लॉसेस पहले से निगलेक्ट कर दिए सारे के सारे, हेड लॉस क्या होंगे, सबके क्या होंगे, एड हो जाएंगे, HL1 + HL2 + HL3, यानी एडिंग हेड लॉस, और डिस्चार्ज कैसा होगा, सबका सेम होगा। जब भी सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो लॉसेस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन डिस्चार्ज कैसा होता है, सेम होता है। अब हमने यहां पर क्या हुआ है कि इस पूरे तीन पाइप को एक सिंगल पाइप में बदल दिया, मतलब एक इक्विवेलेंट पाइप, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डाया। तो हेड लॉस HL1 + HL2 + HL3, इसका क्या हो गया, FLEQ²/12DE^5, हम ये प्रूफ कर चुके हैं, ऐसे यहां लगा दिए, ऐसे यहां लगा दिए, यहां से एफ से F, Q से Q और 12 से 12 कट जाएगा, तो ये क्या बन गया, LE/DE^5, L1 D1 की पावर 5, L2 D2 की पावर 5, L3 D3 की पावर 5, इसको बोलते हैं डिप्यूटीज इक्वेशन, यहां से डाया फाइंड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है पैरेलल पाइप, पैरेलल पाइप में क्या हो रहा है कि तीन पाइप एक साथ लगे हुए हैं, एक के ऊपर एक लगे हुए हैं, मतलब डिस्चार्ज हो रहा है वो क्या हो जाएगा, सबका एड हो जाएगा, मतलब तीनों का जो डिस्चार्ज, मतलब तीन पाइप लगा दी यहाँ पे या तीन नल लगा दिए, तीनों का डिस्चार्ज यहाँ क्या होगा, एड होके आएगा, लेकिन हेड लॉस सबका क्या होगा, अपना होगा। यही इतना सा बस मेन इंपॉर्टेंट है, बस ये वाली बात, ये पूछता है बहुत, एक नंबर में, ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे। उसके लिए यहाँ प्रूफ नहीं किया है, इसका भी इक्विवेलेंट पाइप बनाएंगे तो DE क्या होगा, 2 की पावर n / 2/5 × d। ये फार्मूला बहुत बार एसएससी ने पूछा हुआ, ये वाला फार्मूला, ठीक है, एसएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं हम पावर ट्रांसमिशन की ओर, ठीक है, ये तो सबसे सबसे सिंपल सिंपल टॉपिक है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो, चलिए आगे बात करते हैं पावर ट्रांसमिशन की। अब देखिए यहां से जब पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, जब आप टर्बाइन चला रहे हो तो आपने क्या लगा रखा है, पाइप लगा रखा है। अब आपका हेड कितना अवेलेबल है, हमारे पास एच अवेलेबल है। अब आपको पता है जब कोई चीज फ्लो होगी तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, प्रेशर का लॉस होगा। तो मैंने बोला कि कितना लॉस हो गया मेरे पास, एच एफ लॉस हो गया, कितना मेरे पास मिल रहा है, एच माइनस, इसमें से इतना घटा दो, एच माइनस एच एफ मिल रहा है। अब देखो पावर क्या होती है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, डब्ल्यू आर क्या होता है, mg, यहां से मतलब डब्ल्यू बराबर mg लिख लो या एफ बराबर mg लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। अब हमने मास को क्या लिख लिया, डेंसिटी क्या होती है, m/v, तो m हो गया रो इंटू वी, मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इंटू वेलोसिटी, इस वॉल्यूम को तोड़ दिया, रो एरिया इंटू हाइट इंटू जी इंटू वेलोसिटी,
इसको एक साथ ले लिया वेलोसिटी को और एच, ये क्या बन गया, ये डिस्चार्ज बन गया इंटू एच, तो पी थ्योरेटिकल आ गया डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू क्यू इंटू एच, और लेकिन एक्चुअल क्या हुआ एच का, ये जो हेड लॉस हो रहा है, इस हेड लॉस की वैल्यू हम जानते हैं पहले से एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12 डी की पावर 5, ठीक है, इसको क्यू को अंदर मल्टीप्लाई करके फिर मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैक्सिमम मिनिमम करके इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, हमने कर लिया पी एक्चुअल डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू, इसको क्या हो गया ये 1 हो गया, ये नीचे आ जाएगा 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसको जब हम क्या करेंगे 0 रखेंगे मैक्सिमम मिनिमम के लिए, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इसको इधर लाएंगे, ये क्या हो जाएगा 3 एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12 डी की पावर 5, ये क्या वैल्यू हो गई, ये हेड लॉस की वैल्यू अगेन हो गई, यानी कि हेड लॉस जो टोटल है कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है एक्चुअल में, मतलब जो हेड लॉस है वो एक्चुअल में 1/3 लॉसेस हो जाता है, ठीक है, उसके बाद एफिशिएंसी होती है, मतलब हिंदी बोलते दक्षता, पी एक्चुअल डिवाइड बाय पी थ्योरेटिकल, एच माइनस हेड लॉस की वैल्यू पुट कर दी आ गई 2/3, यानी एफिशिएंसी आ गई 66.67, ये डायरेक्टली याद रखिएगा, एक वैल्यू याद रखिएगा और एक वैल्यू याद रखिएगा, इससे बाकी कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद है फ्लो थ्रू द साइफून, साइफून कुछ नहीं है, जब आपने देखा होगा पहाड़ों पर पानी पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये, क्योंकि वहां व्यवस्था तो है नहीं, वहां पे बॉक्स बनाकर डब्बे लगाकर पानी पहुंचाया जाता है, ठीक है, साइफून इज ए लॉन्ग बैंड पाइप और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो एक एक कंटेनर दूसरे कंटेनर जब वाटर सप्लाई कर रहे हैं, मतलब यहां से कंटेनर से यहां सप्लाई कर रहे हैं, तो ये सब काम किस पे हो रहा है, एटमोसफेयर में हो रहा है, एटमोसफेयर क्या बहुत सारी गैसेस है, अब ये गैसेस क्या होंगी जब आपका यहां से फ्लो होगा तो कहीं ना कहीं ये कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, गैसेस क्या हो जाएंगी कलेक्ट हो जाएंगी और फ्लो को बहुत आसानी से नहीं होने देंगी, जहां पर गैस कलेक्ट हो जाती है उसको बोलते हैं ऑब्स्टेकल, मतलब बीच में कोई अवरुद्ध उत्पन्न हो गया, ठीक है। अब गैस सब कलेक्ट हो गई तो हमने एक यहाँ पर एक वाल लगा रखा है, इसको हम बोलते हैं सुमित, सुमित इज द हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पर या तो ऑटोमेटिक होता है या कोई आदमी यहाँ से क्या होता है गैसेस रिलीज कर दी जाती है, फ्लो आपका आसानी से होता रहता है। इस फ्लो को आसानी से होने के लिए हमें हाइड्रोग्रेनेड लाइन की 6.4 से लेके 7.5 मीटर इससे अबव चाहिए, अगर इससे अबव नहीं है तो आपका फ्लो आसानी से नहीं होगा, ठीक है, तो आपको यहाँ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस दो ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें साइफून में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था, वो सुमित होता है, हाइड्रोग्रेनेड लाइन कितनी होनी चाहिए, कहीं पर 6.4 पूछ लिया, कहीं 7.5 पूछ लेगा, ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपके लिए दी गई है, यहाँ पर किसी को दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक था, यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश होता है, ठीक है, आपको ये सारी चीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करवाइए लोगों से, लोगों को बताइए ताकि यहाँ पर चीजें आपको बेनिफिट्स मिल सके फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।